कर लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है जहां पर देखिए आईएएस एवी राजा मौली प्रतिनियुक्त किए गए, बताया जा रहा है कि कार्य मुक्त हुए हैं। यूपी के गृह सचिव 2003 के बैच के आईएएस है एवी राजा मौली प्रतिनियुक्त पर आंध्र प्रदेश के लिए कार्य मुक्त किए गए हैं। एवी राजा मौली को 3 वर्ष के लिए आंध्र में प्रतिनियुक्ति मिली है। यूपी सरकार ने एवी राजा मौली को कार्य मुक्त कर दिया है। तो देखिए राजा मौली आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, सीएम नायडू के करीबी है वो। सीएम चंद्रबाबू नायडू के चहेते अफसरों में माने जाते हैं मौली। 2015 में जब नायडू सीएम थे तब भी मौली को साथ ले गए थे, तब एवी राजा मौली मुख्यमंत्री के सचिव बनाए गए थे और कहा जा रहा है कि इस बार भी उन्हें महत्वपूर्ण पद पर तैनाती मिलने की संभावना है। देखिए बड़ी खबर ये लखनऊ से सामने आ रही है, 2015 में जब नायडू सीएम बने थे तब भी उनको अपने साथ लेकर गए थे। कहा जा रहा है कि तब एवी राजा मौली मुख्यमंत्री के सचिव बनाए गए थे और इस बार भी उन्हें महत्वपूर्ण पद पर तैनाती मिलने की संभावना है। तो आईएएस एवी राजा मौली प्रतिनियुक्त के लिए देखिए कार्य मुक्त हुए हैं। यूपी के गृह सचिव 2003 बैच के आईएएस हैं एवी राजा मौली, तो प्रतिनियुक्त पर आंध्र प्रदेश के लिए कार्य मुक्त किए गए हैं। बता दें कि एवी राजा मौली को 3 वर्ष के लिए आंध्र में प्रतिनियुक्त मिली है। तो यूपी सरकार ने एवी राजा मौली को देखिए कार्य मुक्त कर दिया है। तो राजा मौली आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, सीएम नायडू के वो करीबी बताए जा रहे हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि सीएम चंद्रबाबू नायडू के चहेते अफसरों में माने जाते हैं एवी राजा मौली। 2015 में जब नायडू सीएम थे तब भी मौली को वो साथ लेकर गए थे और तब एवी राजा मौली मुख्यमंत्री के सचिव बनाए गए थे। और देखिए इस बार भी कहा जा रहा है कि उन्हें महत्वपूर्ण पद पर तैनाती मिलने की संभावना है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से है जहां पर आईएएस एवी राजा मौली प्रतिनियुक्ति के लिए कार्य मुक्त कर दिए गए। बताया जा रहा है कि यूपी के गृह सचिव 2003 बैच के आईएएस हैं एवी राजा मौली। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर बागपत